बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्तन बवक्तन मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू ब्रेकिंग न्यूज है ओमान के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। कल भी इतनी अच्छी खबरें आई हैं। कल एक खबर आई थी कि जो भी रेजिडेंट है, कार्ड होल्डर है ओमान के, वो ओमान के अंदर आ सकते हैं। तो इस हवाले से वो थोड़ी सी जो न्यूज़ है वो अधूरी थी, लेकिन अब जो है, जो अधूरी खबर थी उसको पूरा कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ। इस आर्टिकल के मुताबिक, इस आर्टिकल में ये स्टेटमेंट दी गई है कि इंशाल्लाह अज़्ज़ल 1 अक्टूबर 2020 से जब ओमान के एयरपोर्ट्स ओपन होंगे तो कोई भी रेजिडेंट है, दुनिया में कोई भी रेजिडेंट है ओमान का, जिसके पास ओमान का वैलिड कार्ड वीज़ा है, यानी कि ओमान का जो वीज़ा है उसके पास वैलिड है, उसको मूफा की अप्रूवल नहीं चाहिए। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं इस आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने बता दिया कि इंशाल्लाह अज़्ज़ल 1 अक्टूबर 2020 के बाद जो भी अफराद ओमान के अंदर आना चाहते हैं उनको मूफा की अप्रूवल नहीं चाहिए। वो मूफा की अप्रूवल के बगैर जो है 1 अक्टूबर के बाद ओमान के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी खबर थी और अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं कि बहुत ज्यादा आसानियां हुई जा रही हैं। बेशक जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि हर मुश्किल परेशानी के बाद आसानी है, तो ये एक अच्छी खबर थी। और इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आएगी वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।